वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज हम रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम जो कि 2024 के अंदर आया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट CEN042024 के नाम से निकल चुका है, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं। यानी किस किस तरीके से हम प्लानिंग करें जिससे कि हम इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें, इसके बारे में हम कंप्लीट जानेंगे कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस यहां पे आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, यानी डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसलिए इस वीडियो के जो भी 10 मिनट है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करके अच्छे से कम्प्लीटली देखिएगा। देखिए, किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना होता है तो उसके बारे में हमें शुरू से ही, यानी उसका क्या पैटर्न रहता है, उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस को हमें अटेंड करना रहता है, कौन से क्वेश्चंस को नहीं करना है, किस तरीके से उसके टॉपिक्स को कवर करना है, सब कुछ जानना जरूरी रहता है, तभी हम उसको क्रैक कर पाते हैं। तो इसी वीडियो में हम सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता देते हैं कि ये वैकेंसी कब आई है और इसके फॉर्म भरने की तारीख कब है। देखिए, 04/2024 CEN इस नाम से ये एडवर्टाइजमेंट रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का आ चुका है। और इसकी एप्लीकेशन की डेट की बात करें तो 17 अगस्त 2024, यानी 17 अगस्त 2024 से इसका फॉर्म फिलअप ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। यानी अलग अलग RRB पे अलग अलग फॉर्म फिलअप होना शुरू होंगे। आप एक ही RRB से अप्लाई कर सकते हैं। यानी इतने सारे RRB रेलवे रिक्रूट मोड के अलग अलग जोन हैं, उसमें से किसी एक जोन से अप्लाई कर सकते हैं। जैसी उसकी पोस्ट है उसके अनुसार आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपके नज़दीक कौन सा एरिया रहता है, उस हिसाब से आपको ये अप्लाई करना है। ठीक है, दूसरा, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 सितंबर 2024, इसकी लास्ट डेट है। 11:59 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें 20 ईयर से लेके 38 ईयर वाला पर्सन अप्लाई कर सकता है। और ये जो एज है वो एज पर 1 जनवरी 2025 है। यानी 1 जनवरी 2025 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 20 से 38 साल के बीच का है तो वो इसके फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अगर हम बात करें OBC कैटेगरी की तो वहाँ पे 3 ईयर की अलग से छूट दे रखी है। और अगर हम बात करें SC और ST या फिर जो भी अलग रिजर्व्ड कैटेगरी है उनमें अलग अलग छूट दे रखी है, SC ST कैटेगरी में 5 ईयर की छूट दे रखी है। इसका कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर हम फॉर्म फीस की बात करें तो 500 रुपीज़ का फॉर्म है फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर फीमेल SC एंड ST कैटेगरी 250 का फॉर्म है। देखिए, बड़े मज़ेदार बात यह है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को देने जाते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, CBT एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 400 रुपीज़ आपको वापस रिफंड हो जाएंगे। और अगर मान लो फीमेल या फिर SC या ST कैटेगरी में है तो 250 रुपीज़ एज इट इज़ पूरे के पूरे वापस आपको रिफंड हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। तो इस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कैसा है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर टोटल मिला के 100 MCQs रहेंगे, यानी 100 क्वेश्चंस आएंगे। और आपके पास मात्र 1.5 घंटे का टाइम है, 90 मिनट का टाइम है। यानी अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें तो एक क्वेश्चन को टिक करने के लिए मात्र आपके पास 54 सेकेंड का टाइम है। और अगर मोटे तौर पे देखें तो 50 सेकंड के अंदर अंदर आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चन को समझने में भी या पढ़ने में भी लगभग 20 सेकंड तो लग ही जाते हैं, तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है सोचने का ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा जो क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है अच्छे से, उसी क्वेश्चन को आपको हाथों हाथ अटेम्प्ट करना है। इतना टाइम क्वेश्चन को में नहीं लगाना है। जो भी क्वेश्चन नेगेटिव नहीं आ रहा उसको हाथों हाथ आपको छोड़ देना है, सेकेंड अटैम्प्ट में उसको अटेंड करना है। क्योंकि अगर आप मान लो गलती से भी गलत आंसर लिख दोगे तो वहाँ पे आपकी -1/3 मार्किंग है। यानी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है? -1/3। -1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको कोशिश यही करनी कि कम से कम नेगेटिव करने हैं, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना, तुक्का बिल्कुल ही नहीं लगाना है। किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको तुक्का नहीं लगाना है। तो फिर अब देखिए, इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, इसको अच्छे से कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं वो भी हम देख लेते हैं। और आपको मैं फिर से बताता हूँ, इन सभी की तैयारी आपको फार्मा कंसेप्ट ऐप मात्र 720 रुपये में करवा रहा। कितने में?
720 रुपीज़ में। अभी 40% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसमें हम फार्मा और नॉन फार्मा दोनों की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर से फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे हमारी लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, 3000 से भी ज़्यादा MCQs है जिसके अंदर टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट के ई नोट्स वो भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसके सिलेबस के बारे में, यानी यहाँ पे क्या क्या आने वाला है, तो प्रोफेशनल एबिलिटी की बात करें तो ये इसके अंदर 70 क्वेश्चन आएंगे, यानी फार्मेसी से रिलेटेड आपके टोटल 70 MCQs रहेंगे और उनका टोटल मार्क 70 रहेगा। ऐसे जनरल अवेयरनेस जो भी आपके GK से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके 10 रहेंगे और उनका टोटल मार्क्स भी 10 रहेगा। जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इनके टोटल क्वेश्चन 10 रहेंगे और 10 मार्क्स के रहेंगे। एंड जनरल साइंस के क्वेश्चन जो कि आपने 11th 12th में पढ़ा है, 10th 11th 12th में, उसी बेसिस पे जो आपने पढ़ा है उसी बेसिस पे जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन रहेंगे और इनके भी टोटल 10 मार्क्स रहेंगे। यानी पेपर आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा और 100 ही मार्क्स रहेंगे, 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। देखिए यही पैटर्न आपका 2019 रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का था। अगर आप उसका पैटर्न, उसका पेपर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक भी डाल रखा है, आप उस पेपर को फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से उस लिंक पे क्लिक करके आराम से वो पेपर दे सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर भी एक्सप्लेन किए हुए मिलेंगे, ठीक है ना। आप ऑनलाइन उसको दे सकते हैं जिससे कि आपको उसका पैटर्न समझ में आ जाए। देखिए अब हम देख लेते हैं कि आपको पैटर्न समझ में आएगा ना, आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं 2019 में, है ना। तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस हमें कवर करना है। सबसे पहली बात कर रहे हैं प्रोफेशनल सब्जेक्ट की, यानी कि फार्मा सब्जेक्ट की। यहाँ पे 70 MCQs रहेंगे और कहाँ कहाँ से रहेंगे वो हम देख लेते हैं। पहला देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेमेडियल बायो या फिर रेमेडियल मेस, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल फार्मेसी, फार्म माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जिसमें 8-10 रूल्स आते हैं, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी, बायोफार्मास्यूटिक्स या फिर फार्माकोकाइनेटिक्स, इसके अलावा फार्म बायोटेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस QA, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, फार्मेसी प्रैक्टिस, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम NDDS, बायोस्टेटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, फार्म मार्केटिंग मैनेजमेंट, फार्म रेगुलेटरी साइंस, फार्माकोविजिलेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक एंड डाइटरी सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये सारे टॉपिक्स आपके फार्मेसी में रहेंगे। देखिए मात्र 3 या 4 महीने का टाइम है आपके पास में और इतने सारे टॉपिक्स 4 महीने में किताबें लेके अगर आप बैठोगे तो एकदम अच्छे से पजल्ड हो जाओगे आप, यानी बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाओगे। तो देखिए अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, टू द टॉपिक तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो देखना है खाली, ठीक है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं किस किस सब्जेक्ट में से वो जानना है, तो आपको फार्मा कंसेप्ट ऐप डाउनलोड करना चाहिए। वहाँ पे हम इन सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या पूछा जाता है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको इनके ई नोट भी मिलेंगे काफ़ी सब्जेक्ट के, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मिल गए, बायोकेमिस्ट्री के मिल गए, फार्माकोग्नोसी के मिल गए, जूरिस्प्रूडेंस के मिल गए, इनके ई नोट्स भी मिलेंगे जहाँ से आप इसको पूरा रीड आउट भी कर सकते हो। देखिए अब हम बात कर लेते हैं 70 क्वेश्चंस, ये जो 70 MCQs है इसमें सारे बी फार्मा स्टूडेंट्स ने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और डिप्लोमा स्टूडेंट ने ड्यूरिंग डिप्लोमा काफ़ी सब्जेक्ट पढ़े हैं, ठीक है। और अगर जिन्होंने नहीं भी पढ़े हैं डिप्लोमा वालों ने, अगर वो थोड़ा सा भी इनका हिंट देख लें तो वो इनको अवर आराम से कवर कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही टिपिकल है, वो आराम से कवर कर सकते हैं और वो मोस्टली डिप्लोमा वाले सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि हम डिग्री वाले को कैसे फाइट आउट करेंगे। देखिए ये जो 70 MCQs है ना, इसमें फार्मेसी के 70 क्वेश्चंस में से लगभग 50 से 55 क्वेश्चंस अराउंड सभी राइट कर लेते हैं। इस तरीके का पैटर्न रहेगा, अगर आप ढंग से सिलेबस करके जाओगे तो 50 से 55 क्वेश्चंस आराम से आसानी से राइट कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि आपको
नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जहाँ से 30 क्वेश्चंस पुटअप होने वाले हैं, यानी जनरल अवेयरनेस के बारे में, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस यानी कि GK, वहाँ से 10 MCQ जानेंगे, है ना। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फार्मा कंसेप्ट में आपको सब कुछ पता चलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में जैसे कि कौन सा गेम्स, कौन सी ट्रॉफी कौन से गेम से संबंधित है, जैसे अभी ओलंपिक्स हुए हैं तो ओलंपिक्स में कौन कौन इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट तो वैसे एक भी नहीं है, जैसे सिल्वर मेडलिस्ट कौन है और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कौन है, कौन कौन से गेम्स में क्या क्या हुआ, यह कौन से खिलाड़ी कब चर्चा में रहा, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्सनैलिटीज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई राजनीतिज्ञ है या फिर कोई सोशल वर्कर है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि कौन सी कंट्री की कितनी ग्रोथ पोजीशन है, बैंकिंग में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रही है, सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा लेटेस्ट बुक राइटर, यानी अभी 4-5-6 महीनों में, साल भर में कोई अच्छी सी नॉवल या बुक आई है, उसका राइटर कौन है, किसको क्या अवार्ड मिला है साहित्य का, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। लेटेस्ट नेशनल अवार्ड जैसे कि पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, इसके अलावा दूसरे अवार्ड भी पूछे जा सकते हैं, जैसे नोबल प्राइज के बारे में भी पूछा जाता है। इसके अलावा कल्चर के बारे में, कल्चर यानी संस्कृति के बारे में, कोई त्यौहार है, कोई फेस्टिवल है, कहाँ पे कौन सा होता है, कौन सा डांस कहाँ पे है, ठीक है ना, फेमस, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स से 100% बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे नारी शक्ति से बनता है, यानी फीमेल, जो भी अभी फीमेल कोई चर्चा में रही है, जिन्होंने अच्छा खासा काम किया है, उनके बारे में बनता ही बनता है, एक स्पोर्ट से, एक फीमेल से, एक बुक राइटर से क्वेश्चन 100% आता है, एक कल्चर एक्टिविटी से क्वेश्चन 100% आता है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे कि स्पेस के अंदर चंद्रयान गया था, कब लॉन्च हुआ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक आपका आता ही आता है। इसके अलावा एक प्राइस से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस 100% आता है। तो 10 MCQs में मैंने लगभग आपको 6-7 MCQs तो बता ही दिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, तो उन सारे टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। अब हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस की, जहाँ से 10 MCQs आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, और ये वही क्वेश्चन है जो आपने 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़े हैं, जिनके बारे में आपने जाना है। फार्मा कंसेप्ट में, फार्मा कंसेप्ट ऐप पर डेली आपको 20 क्वेश्चंस इस तरीके की प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, जहां पे आप डेली के जनरल साइंस के 20 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, क्या कारण है, क्या कैसे आंसर आता है उसके बारे में हम बताते हैं, तो ये पोर्शन भी वहां से आपका आसानी से कवर हो जाएगा। अब रही बात जहां से सिलेक्शन होने के चांसेज रहते हैं, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं मेनली, वो कौन कौन करते हैं, आपका जनरल अवेयरनेस, आपका जनरल साइंस और आपका जो मैथमेटिक वाला पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है, यही आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया डिसाइड करता है। अगर आप इसमें से अच्छा कर गए तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए, जनरल अरिथमेटिक्स यानी मैथ्स के अंदर क्या क्या आता है, जनरली नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, SCF एंड LCM यानी कि महत्तम समापवर्तीय और लघुतम समापवर्तीय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एवरेज यानी कि औसत से रिलेटेड, परसेंटेज यानी प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एंड समानुपात, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज एंड चक्रवर्ती ब्याज, बोर्ड मास का रोल जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, किस तरीके से पैटर्न से अपन को सॉल्व करना है वो रहेगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी कि दशमलव और भिन्न, इनके बारे में, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप सिस्टम, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, आता ही आता इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और लगभग 5 ही क्वेश्चन यानी आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रहेंगे, जिसमें एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डीकोडिंग, देखिए ये टॉपिक हमने फार्मा कंसेप्ट में करवा भी दिया है, नेक्स्ट यही टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो यानी हम ये वाला पोर्शन भी आपको 720 रुपीज में ही करवा रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन भी हम 720 रुपीज में करवा रहे हैं, तो आप आसानी से वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप, वेन डायग्राम, सिलोलिज्म, डायरेक्शन, जम्बलिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशियंसी, एनालिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस,
ये जो भी क्वेश्चंस है अगर आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। और इस ये स्कोरिंग वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें 10 में से 10 नंबर भी आप लेके आ सकते हो, ठीक है ना। और यही आपके डिसाइड करते हैं कि आप सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे, क्योंकि फार्मा पोर्शन तो लगभग सभी का सेम रहता है, उसमें 1 या 2 नंबर या 4 नंबर 5 नंबर का गैप हो सकता है। बाकी अगर मान लो ये वाला पोर्शन आपने वीक कर दिया, बिल्कुल आप 1 या 2 नंबर लेके आए और कंपिटिटर आपका 10 में से 10 लेके आ गया, तो फिर आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, आपका कंपिटिटर सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों पोर्शन जो मैंने बताए हैं वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने हैं, और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको, आप चाहें तो फार्मा कंसेप्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फार्मा कंसेप्ट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है, मात्र 720 रुपये में। फार्मा कंसेप्ट का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप उस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी जूनियर्स, आपके फ्रेंड फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अभी हम मात्र 600 रुपये में लेकर आए हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें सभी में लगभग 3000 से ज़्यादा MCQs मिलेंगे, वो मात्र आपको 180 में मिलेगी। अगर आपके फ्रेंड GPAD की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं फार्मा कंसेप्ट ऐप पे। और रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का बेस तो मात्र 720 में है, आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अभी हमारा एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का जो हुआ था उसके अंदर हमारे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1, 3, 8, 10, 14, 16, 21, 66 अलग अलग जगह से रैंक आई थी, और ये आपके सामने भी है। तो आप अच्छे से जुड़िएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, जिससे कि आप भी आने वाले समय में इस जगह पे आपका भी नाम आ सके, आपका भी कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए हम आपको भी बधाई दे सकें। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।